This news sponsored by Cummins College of Engineering for Women. नमस्कार, स्वागत है आपका NBC न्यूज पर। आज के टॉप 20 में मैं हूं आपके साथ भाग्यश्री। आंध्र प्रदेश में जनसेना विधायक दल की बैठक आज सुबह मंगलागिरी स्थित पार्टी मुख्यालय में हुई। इस दौरान पवन कल्याण को जनसेना विधायक दल का नेता चुना गया। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने आज सफाई में अपने घर पर पार्टी के मैनपुरी के नेताओं की मीटिंग बुलाई है। वे कल दोपहर से ही सफाई में थे। भूपेंद्र यादव ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री का कार्यभार संभाल लिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे फिर से इस मंत्रालय की जिम्मेदारी दी है। अश्विनी वैष्णव ने रेल मंत्री के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को एक बार फिर से जनता ने आशीर्वाद देकर सेवा का मौका दिया है। डॉक्टर एस जयशंकर ने आज विदेश मंत्री का कार्यभार संभाल लिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि दुनिया को जरूर लगेगा कि भारत में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। थाने के भिवंडी तालुका में सरावली MIDC में एक डायपर बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग से सदाशिव हाइसिन प्राइवेट लिमिटेड जलकर खाक हो गई है। एन चंद्रबाबू नायडू को नेता चुनने के लिए तेलुगु देशम पार्टी के विधायक दल की बैठक आज होगी। तेलुगु देशम पार्टी के एक प्रवक्ता ने यह जानकारी दी है। मणिपुर में मंगलवार की सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 3.2 मापी गई है और गहराई 25 किलोमीटर रही है। ओडिशा में भारतीय जनता पार्टी पहली बार अपनी सरकार बनाने जा रही है और वही ओडिशा में भाजपा का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसको निर्धारित करने के लिए भाजपा विधायक दल की बैठक मंगलवार को होगी। बीजेपी युवा विंग के नेता नवीन झा की ओर से मानहानि मामले में एक याचिका दायर की गई थी। इस मामले में MP MLA स्पेशल कोर्ट ने राहुल गांधी को चुनाव के बाद 11 जून को अदालत में पेश होने के लिए कहा है। PM 18 जून को एक दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र काशी पहुंचेंगे। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद PM मोदी का ये पहला वाराणसी दौरा होगा। यहाँ PM किसानों के साथ संवाद करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आज रायबरेली जाएंगे। इस दौरान वो वहां के लोगों से मिलेंगे और उन्हें धन्यवाद कहेंगे। इसके साथ ही कांग्रेस 15 जून तक उत्तर प्रदेश के सभी 403 विधानसभाओं में कांग्रेस धन्यवाद यात्रा निकालेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया है। 4 प्रमुख ग्रह, रक्षा, वित्त और विदेश मंत्रालय में कोई बदलाव नहीं किया गया है। लोकसभा चुनाव खत्म होते ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी प्रशासन के काम में तेजी लाने को उत्सुक है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 11 जून को कोलकाता में एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। मानहानि मामले में रांची की अदालत ने राहुल गांधी को 11 जून को अदालत में पेश होने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट नीट UG 2024 परीक्षा रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करेगा। मणिपुर पिछले एक साल से हिंसा की आग में झुलस रहा है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक कार्यक्रम में कहा कि पूर्वोत्तर राज्य की स्थिति पर प्राथमिकता के साथ विचार किया जाना चाहिए। भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत को तेजी के साथ हुई है, लेकिन ओपनिंग होते ही निफ्टी बढ़त गवाकर लाल निशान में लौटाया। महाराष्ट्र में आगामी चुनाव को लेकर मनसे ने अभी से ही तैयारियां शुरू कर दी है। राज ठाकरे ने 13 जून को सभी बड़े नेताओं की एक बैठक बुलाई है। महाराष्ट्र में बारिश को लेकर मौसम विभाग का पूर्वानुमान सामने आया है। IMD ने कई मुंबई समेत कई इलाकों में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। ये थी आज की टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिए NBC न्यूज़। नमस्कार।